नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से मैं क्लास लूँगा। बीच में तबीयत वजह खराब होने की वजह से क्लास नहीं ले पाया था मैं, ठीक है। तो जो आप लोग का जैसे पहले डीएनए पहले मैं देता था आप लोगों को करंट अफेयर, लेकिन आप लोग की भारी डिमांड की वजह से एक नया पैटर्न पर हम लोगों ने एक नया स्टार्टअप किया है। नए तरीके से आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है। टॉप 10 का जो सीरीज चल रहा है, अमरसर क्लास ले रहे थे, क्लास अमरसर भी लेंगे, हम भी लेंगे, ठीक है, दोनों लोग क्लास लेंगे। तो आज हम बात करेंगे सबसे जो महत्वपूर्ण इस समय जो आपके लेटेस्ट जो भी चल रहे हैं आपके करंट अफेयर के जो मुद्दे ज्वलंत जो मुद्दे हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन टॉप 10 सीरीज के हिसाब से, ठीक है। ये युक्ति आईएएस का अगर किसी ने सब्सक्रिप्शन मतलब वो नहीं किया हो और सब्सक्राइब ना किया हो तो दिए गए नीचे दिया होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें यूट्यूब का, व्हाट्सअप का, टेलीग्राम का, फेसबुक का सबका लिंक दिया होता है। तो जब उसको क्लिक करेंगे आप लोग तो डायरेक्ट संस्थान से आप लोग जुड़ जाएंगे। और ये संस्थान का खूबसूरत सा नंबर दिया हुआ है, अगर किसी को भी कुछ पूछना हो, क्वेरी करना हो तो दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी यूज इसका कर लेना चाहिए। तो ये सेट 8 पढ़ाया जाएगा, 8वां सेट होगा जो मेरे द्वारा होगा, ठीक है, मैं आज क्लास लूँगा। तो चलिए बात करते हैं इंटरनेशनल इशू के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में हम बात करेंगे, सारे मुद्दों के बारे में, खेल कूद के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आज का है, हाल ही में किस देश ने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या पूछा है, जिसको हिंदी में देखना है हिंदी में देखे और जिसको दुख था इंग्लिश का वो इंग्लिश में देखे अपना। हाल ही में किस देश ने 17+1 सहयोग मंच से अपनी सदस्यता वापस ले ली है। विच कंट्री विथड्रॉ इट्स मेंबरशिप फ्रॉम 17+1 सहयोग मंच रिसेंटली। तो कौन सा वो देश है, ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है क्रोएशिया, ऑप्शन डी है लिथुआनिया। तो उसका सही जो आंसर है, इसका सही आंसर है, सही आंसर कौन सा है, लिथुआना, ठीक है। क्या है थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि लिथुआना ने मई 2021 में मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ चीन के विभेदकारी नीति के कारण 17+1 सहयोग मंच छोड़ दिया है। बात कर लेते हैं 17+1 सहयोग मंच आखिर है क्या। चीन के नेतृत्व में गठित जो है एक सहयोग मंच है जिसमें चीन और मध्य तथा पूर्वी यूरोप देशों का भी है, जिसकी स्थापना वर्ष 2012 में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में की गई थी। और इसमें टोटल 12 सदस्य हैं। इस पहल में जो यूरोपीय संघ के 12 सदस्य राज और 5 बालकन राज्य, कौन कौन से बालकन राज्य हैं, अल्बानिया, क्रोएशिया, हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया और चेक गणराज्य, एंटोनिया, एस्टोनिया, ग्रीस, हंगरी, लताविया, लिथुआनिया, मैसेडोनिया, मेंटेग्रो, पोलैंड, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया और स्लोवानिया इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। इसके देखिए साथ एक के साथ कितने क्वेश्चंस आपके तैयार हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि 17+1 मंच को सहयोग का किसने सदस्यता वापस ली है, तो लिथुआना ने की है। क्या हुआ था, स्टार्टिंग 2012 में हुई थी लेकिन लुथियाना ने मई 2021 में इसे सदस्यता वापस ले ली है, चीन के कारण लिया है, जो विभेदकारी नीति है उस पॉलिसी के खिलाफ उसने, ठीक है, इस मंच को उसने छोड़ दिया है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, 12 सदस्य राज्य है और 5 जो है बालकन राज्य है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल इशू का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के संबंधित तट पर सी शॉर्ट का प्रकोप देखा गया, सी स्नॉट का प्रकोप देखा गया। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी टर्की, तुर्की जिसे कहते हैं, और ई जो ऑप्शन है सबसे फेवरेट ऑप्शन है, देखते ही होंगे बिहार पीसीएस में एक ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका सही जो आंसर है वो देश है टर्की, तुर्की। हाल ही में किस देश के संबंधित तट पर सी शॉर्ट स्नॉट देखा गया है, तो वह देश है टर्की। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, काला सागर को एजियन सागर से जोड़ने वाले तुर्की के मरमारा सागर में सी शॉर्ट का प्रकोप देखा गया। तुर्की में पहली बार वर्ष 2007 में देखा गया था। सी शॉर्ट या समुद्री लासा प्राकृतिक तौर पर बनने वाला धूसर या हरे रंग का कीचड़ पंख जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि समुद्री श्लेष्म होते हैं और जो शैवालों में पोषक तत्वों की अति प्रचुरता के कारण अधिकता के कारण मुख्यतः वैश्विक उष्मांक, जल प्रदूषण, घरेलू और औद्योगिक कचरे के समुद्र में अनियंत्रित निमोचन आदि की वजह से होने वाला गर्म मौसम का होता है, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिएगा। और विश्व महासागर जो दिवस होता है 8 जून को होता है। 2021 का थीम क्या था, द ओशियन लाइफ एंड लाइफ फूड इसका थीम था, और थीम भी परीक्षा में बहुत सारा पूछता भी है। तो ये भी देख लीजिएगा, द ओशियन लाइफ एंड लाइफ फूड है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका जो आंसर होगा वो होगा तुर्की हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल मुद्दे से ही है।
मिशन यूनिटी 2022 नामक अंतरिक्ष उड़ान में से किस देश से संबंधित है? मिशन 2020, ठीक है, 2020 मतलब 2022। तो ये जो है बेसिकली बेटा, ये जो है आपका अमेरिका से संबंधित है। देख लेते हैं, यूनिटी 2022 अमेरिका की प्रमुख निजी स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के स्पेस वीएस यूनिटी की अगली रॉकेट परीक्षण उड़ान के लिए रवाना हुई। यह वीएसएस यूनिटी का 22वां मिशन होगा एवं वर्जिन ग्रेविटी की चालक दल सहित चतुर्थ अंतरिक्ष उड़ान होगी। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सिरिसा बांद्रा यूनिटी 2020 मिशन के चालक दल में शामिल होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार पेपर में पूछा जा सकता है। तो भारत की क्या नाम है उनका? सिरिसा बांद्रा उनका नाम है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से ही, ब्लू फिंड महासीप निम्न से किसकी प्रजाति है? किसकी प्रजाति है? तो ये मछली की एक प्रजाति है जिसका नाम है ब्लू फिंड महासीप, मछली की प्रजाति है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जून 2021 में को ब्लू फिंड महासीप को प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा अपने रेड लिस्ट में, IUCN जो रेड डेटा लिस्ट निकालता है, लुप्त प्राय से हटाकर कम चिंताजनक लिस्ट कंसर्न श्रेणी में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं ब्लू फिंड महासीर क्या होता है। ब्लू फिंड महासीर मीठे पानी की मछली है और यह महासीर की कई उपजातियों में से एक होती है। इसे डेक्कन महासीर या तोर खुरदी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सिल्वर ब्लूम रंग की मछली है जिसमें लाल या नीले रंग के पंख होते हैं। ये देख लीजिए मछली, लाल या नीले रंग के पंख आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो इसका सही जो आंसर है वो एक मछली की प्रजाति है, ब्लू फिंड महासीर। चलिए आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे घोषित किया गया 2023, ठीक है, 2023 मार्च 2021 को आंसर ध्यान से देखिए, 2023 है। मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से भारत द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव जिसका समर्थन 70 से अधिक देशों ने किया है को स्वीकार करते हुए 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइल्ड्स घोषित किया गया है। और इस घोषणा का उद्देश्य जो है बदलती जलवायु परिस्थितियों के तहत अनाज और के स्वास्थ्य लाभ और खेती के लिए इसकी उपयोगिता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। मोटे अनाज में ज्वार है, जौ है, कोदो जैसी फसलें शामिल होती हैं। पृष्ठभूमि भी देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज जो है वर्ष 2023 शीर्षक वाले प्रस्ताव को भारत ने नेपाल, बांग्लादेश, केन्या, रूस, नाइजीरिया और सेनेगल के साथ मिलकर तैयार किया है, जिससे 70 से अधिक देशों का सहयोग भी प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव को 193 संसदीय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। और अप्रैल 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2016 से 2025 तक पोषण पर संयुक्त राष्ट्र दशक की कार्रवाई की घोषणा की थी। तो ध्यान से पढ़ना, 16 से 25 वाला कौन सा है, 23 वाला कौन सा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं, खेलकूद पे हम आ जाते हैं, बहुत आप लोग इंटरनेशनल पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी गोल्डन स्लैम का खिताब पाने के करीब है? तो उसका नाम है नोवाक जोकोविक, उन खिलाड़ी का नाम है जो गोल्डन स्लैम जो है वो खिताब पाने के बहुत ही करीब है। 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियंस जोकोविक सर्बिया अगर खेलों के महाकुंभ में गोल्ड जीतते हैं तो वह गोल्डन स्लैम जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी बन जाएंगे। गोल्डन स्लैम वो होता है जिसमें सत्र के चारों ग्रैंड स्लैम और ओलंपिक एकल टेनिस स्वर्ण पदक शामिल होता है। रोजर फेडर, राफेल नडाल, डोमिनिक थियम एंड निक किर्गियोस जैसे शीर्ष पुरुष खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं ले रहे हैं। ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली इकलौती जिम्नास्टिस्ट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है प्रणीति नायक। जो टोक्यो जो है उसकी, तो जिसमें कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली इकलौती जिम्नास्टिस्ट निम्न से कौन है? तो उनका नाम है प्रणीति नायक। उसका नाम क्या है? प्रणीति नायक। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी दीनापुर करकई गांव की प्रणीति नायक टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली इकलौती जिम्नास्टिस्ट है। उलानबटार एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2019 में कांस्य पदक जीतने के बाद तोजुरी में एक बड़ा पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय बनने के बाद प्रणीति अब टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण के लिए लक्ष्य बना रही हैं। और 2016 के रियो ओलंपिक में पूर्वोत्तर की दीपा कर्माकर, जिसका बहुत परीक्षा में पूछा गया था, भारत का प्रतिनिधित्व किया था और दीपा कर्माकर ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली जिम्नास्ट है। ये पेपर UPPCS में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसका नाम है
प्रगति नायक जो है जो जापान टोक्यो की प्रतिनिधित्व करने वाली टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी इकलौती जिम्नास्ट में से कौन है, तो प्रणीति नायक है वो। अगला है टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है, मैस्ट क्या है, मैस्कट क्या है, तो इसका शुभंकर जो है बेटा ध्यान से देखिए, इसका शुभंकर का सही आंसर होगा ई होगा, इसमें ई मतलब होगा सुमाइटी और मिताइरोवा, ये पेपर में खूब पूछता है, देख लो। टोक्यो ओलंपिक का मैस्कट शुभंकर क्या है, टोक्यो में हो रहे ओलंपिक खेलों का शुभंकर मिताइरोवा और सुमाइटी नाम दिया गया है, इसे खास जापानी इंडिगो ब्लू रंग का पैटर्न दिया गया है, ये जापान की सांस्कृतिक परंपरा अधिकता दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। मिताइरोवा जापानी कहावत से प्रेरित होता है और जापानी शब्द मिताइरोवा में मिराई का अर्थ भविष्य और तोवा का अनंत काल होता है। जापान पहले भी तीन बार ओलंपिक का आयोजन कर चुका है, 64 में, 72 में और 88 में किया है। टोक्यो ओलंपिक में इस बार 33 खेलों में 339 मेडल के मुकाबले, ठीक है, मेडल के मुकाबले होने होंगे, सॉरी मेडल के मुकाबले होंगे, और मशाल को प्राचीन और आधुनिक खेल संगम से जोड़कर देखा जाता है। मशाल जलाने की प्रथा 1928 के एनोसम ओलंपिक खेलों से शुरू हुई थी, लेकिन ओलंपिक मशाल रिले की शुरुआत 1936 के बर्लिन गेम्स में हुई थी और इसे इसके 24 साल बाद 1960 में रोम ओलंपिक की मशाल यात्रा का पहली बार टेलीविजन प्रसारण हुआ था। अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, खेलकूद से ही है। टोक्यो ओलंपिक में निम्न से कितने नए खेलों को शामिल किया गया है, तो 5 नए खेलों को शामिल किया गया है टोक्यो ओलंपिक में। टोक्यो ओलंपिक में खास क्या है कि इस बार 5 नए ओलंपिक खेलों को जोड़े गए हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा, जिसमें कौन कौन से हैं, सर्फिंग है, स्केटबोर्डिंग है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, कराटे है, बेसबॉल है, यही नहीं बेसबॉल पुरुष और सॉफ्टबॉल महिला के ओलंपिक में वापसी हो रही है। टेबल टेनिस थोड़ा देख लेते हैं, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में मिक्स डबल को जोड़ा गया है। जूडो देखो, जूडो के लिए 1964 में के ओलंपिक में आ गया था, लेकिन इस बार मिक्स टीम इवेंट है। स्विमिंग के बारे में जान लीजिए, स्विमिंग जो है बेटा इस साल स्विमिंग में एक नया बदलाव लाया गया है, 800 मीटर की रेस को पुरुषों के इवेंट में शामिल कर लिया गया है, जबकि 1500 फ्रीस्टाइल, ठीक है, इवेंट महिला प्रतियोगिता में इसमें शामिल हुई है। वाटर पोलो देख लीजिए, रियो ओलंपिक में वाटर पोलो में 8 महिलाओं ने भाग लिया था और इस बार महिलाओं की दो नई टीमों को इस साथ संख्या 10 हो गई है। कयाक क्या है, 2021 में ओलंपिक में कयाक खेलों में भी महिलाओं के 3 इवेंट बढ़ाकर पुरुषों में से 3 इवेंट कम कर दिए गए हैं। महिलाओं के इवेंट में कयाक सिंगल 200 मीटर, कयाक डबल्स 500 मीटर इवेंट को जोड़ा गया है। रोइंग देख लीजिए, रोइंग खेलों में पुरुषों के हल्के 4 इवेंट को 2020 ओलंपिक से हटा दिया गया है, जबकि महिलाओं के 4 इवेंट जोड़े गए हैं। 66 के बाद ओलंपिक रोइंग कार्यक्रम में पहला बदलाव हुआ है। अगला है आर्चरी देख लीजिए, 1972 में भी इसे शामिल किया गया, इस मिस डबल मिस टीम इवेंट में शामिल किया गया है। बॉक्सिंग देख लीजिए, महिला खिलाड़ियों की संख्या को 3 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया है, जबकि पुरुष खिलाड़ियों की संख्या 10 से 8 कर दी गई है। यह फैसला लैंगिक समानता को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से निम्नलिखित में किस खिलाड़ी ने फेंसिंग इवेंट के लिए क्वालिफाई किया है, उसका नाम है भवानी देवी। वो कौन और है, और नहीं, वो है भवानी देवी, जो टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से पहली बार फेंसिंग इवेंट के लिए क्वालिफाई किया है। भारत की तरफ से पहली बार भवानी देवी ने फेंसिंग इवेंट के लिए क्वालिफाई किया है, उनका नाम है भवानी देवी। मार्च में हंगरी में हुए बुडापेस्ट के समरी विश्व कप में उन्होंने टोक्यो का टिकट पाया। भवानी देवी तलवारबाजी की सेवा विद्या में खेलती हैं। भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक में 27 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 56 महिलाएं शामिल हैं, और भारत ने इस बार ओलंपिक में सबसे ज़्यादा कोटा शूटिंग में हासिल किया है, कुल 15 है, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा बेटा, आज के ये महत्वपूर्ण टॉप 10 क्वेश्चन आंसर है। शुरू से एक बार और कर देता हूँ, पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा था, भारत में 17+1 सहयोग से अपनी सदस्यता वापस की है, वो देश है लिथुआनिया, पहले का डी है। दूसरा क्वेश्चन जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ, समुद्री सीसॉर्ट का प्रकोप देखा गया, वो कौन सा देश है, वो देश है आपका टर्की, टर्की में देखा गया, दूसरे का भी डी है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, मिशन यूनिटी नामक जो किया गया है वो अंतरिक्ष उड़ान किस देश से संबंधित है, तो अमेरिका से संबंधित है, मिशन यूनिटी 22। ब्लू फिंगर जो देखा गया वो मछली की प्रजाति की बात की गई थी, फिंड माइंडर, ठीक है। अगला है मोटे अनाज 2023 वाला है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, घोषित किया गया है। अगला जो है बेटा खेलकूद में ही है, कौन सा खिलाड़ी ग्रैंड स्लैम का खिताब, उनका नाम है नोवाक जोकोविक, 20 बार से ऊपर पा चुके हैं ये सब चीज़ें ग्रैंड स्लैम। अगला जो एक और क्वेश्चन छूट गया था यहाँ पर, टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली इकलौती जिम्नास्ट, उसका नाम है प्रणीति नायक, उस बच्ची का नाम है प्रणीति नायक। अगला है टोक्यो ओलंपिक में शुभंकर है,
सोमाइटी और मेरा तोइबा दोनों है ए और बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है टोपी ओलंपिक में नए खेलों को शामिल किया गया, वो 5 नए खेलों को शामिल किया गया है, सबका डिटेल देख लीजिएगा आप लोग। अगला है टोपी ओलंपिक में भारत की तरफ से निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने फ्रेसिक इवेंट्स में क्वालिफाई किया, उसका नाम है भवानी देवी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कल फिर जो है एक नए एपिसोड के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी के सभी लोग, जो क्वेश्चन आपको टॉप 10 का सीरीज दिया जा रहा है बेटा बिल्कुल ही डिफरेंट है, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि आप लोगों के परीक्षा में बहुत ही ये हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, अगर किसी को कोई क्वेरी होगा तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे ये लिंक दिया होता है, डायरेक्ट संस्थान से जुड़िए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद। फिर कल एक नए एपिसोड के साथ मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।